केंद्र सरकार बिल पास करके अमल में लाने के बावजूद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया, जिसे लेकर खरगोन का भाजपा संघ सड़कों पर उतरा और कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार देश की रक्षा व्यवस्था को लेकर सजग है। वहीं राज्य की कमलनाथ सरकार का सजगता के प्रति उदासीन रवैया देश हित में न होकर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते दिख रहा है। बहरहाल केंद्र सरकार का नागरिकता संशोधन बिल का फरमान राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते दिख रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, क्या लगता है कि इसे लागू करने में जो कठिनाई है, क्या ये किसी तरीके की है या सिर्फ दिखावा और भ्रामक प्रचार है? सिर्फ कांग्रेस अपनी जमीन जो खिसक रही है उसकी उसका बचाने का प्रयास मात्र है, क्योंकि राष्ट्रपति की जब मोहर लग जाती किसी कानून पर, और केंद्र की सरकार केंद्र का अधिनियम संविधान के अनुसार जो कानून बनता है, सातवीं अनुसूची में जो कानून बनेगा उसको हर राज्य को मानना बाध्य रहेगा, वो और मानना ही पड़ेगा। ये सिर्फ इसको लटका सकती है कांग्रेस की सरकार है, 4-6 राज्यों में जहाँ सरकार है इसको लंबित कर सकती है, बाकी इसको लागू करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है और लागू होकर रहेगा ये, क्योंकि जनता की इस भारत की जनता के भले के लिए अच्छा के लिए ये कानून बना है, क्योंकि हमारे बरसों से कांग्रेस सरकार ने 70 साल का राज किया, बाकी इस प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं पर उसका कभी ध्यान गया ही नहीं। धारा 370 हो या देश के जो गलत कानून थे उनको ख़त्म करना और नए कानून बनाना, ये सिर्फ मोदी सरकार के बस की बात थी। मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज दूसरी बार हमारी केंद्र में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर बड़े बड़े फैसले हुए, और उसी में एक बड़ा फैसला ये भी हुआ, ये लागू हो गया है, लागू होकर रहेगा मध्य प्रदेश के, पूरे देश में कांग्रेस का हर राज्य में भी ये लागू होगा, पर ये लटका सकता है, ये खाली वोट की राजनीति के लिए ये सब सारा षड्यंत्र इस प्रकार रचा जा रहा है, देश की जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार जनता के लिए अच्छा काम करने के लिए जब तत्पर है, यह सरकार ने अच्छे काम किए हैं, उसी की कड़ी में यह नागरिकता संशोधन अधिनियम है, सारी जनता इसको स्वागत कर रही है, तो इनको मजबूर होना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए। ये हमारे देश की बड़ी विधा है कि राजनीतिक दल अपने अपने व्यक्ति विशेष फायदों के चक्कर में हमारे देश की और प्रदेश की जनता को भ्रामक तरीके से प्रचार कर कर वोट बैंक की राजनीति करते आए, और इस प्रकार के कानून केंद्र से ताजित होते हैं, इसे किसी भी राज्य की सरकार को रोकने का अधिकार नहीं है, पर कुछ वोट और सरकार में बने रहने के लालचों में हमारे प्रदेश की जनता को भ्रामक तरीके से भड़काया जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है जिससे किसी समुदाय या किसी समाज को किसी चीज़ की आपत्ति हो, पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस आज अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में पूरे प्रदेश में जिन जिन जगहों पर उनकी सरकारें हैं वह भ्रामक प्रचार कर रही कि हम इस कानून को नहीं मान रहे। नहीं मानने का सवाल तो किसी भी स्थिति में नहीं बनता, परंतु हम सिर्फ एक वोट के लिए किसी भी समाज को भड़काने के लिए इस प्रकार के निर्णय या भाषण दे दें तो इसका किसी भी प्रकार के देश के कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है कि जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है इन पर अमित शाह देश में गृह मंत्री हैं, तो क्या ऐसे लोगों को जेल की सीकचों में भर दिया जाएगा? बहुत जल्दी सही चीज़ें सामने आना शुरू हो गई है। इस भारत का कोई नागरिक इस प्रकार की कोई घटना करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे देश में कई उपद्रवी लोग बाहर से आकर कई घटनाएं कर जाते हैं जिसका हमारे देश का भोला भाला इंसान उन प्रकरणों में फंसता है, और मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि देश की और प्रदेश की जनता इस प्रकार के जो भ्रामक प्रचार कर कर देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं इनसे बचें और देश में अमन शांति बनाए। भारत माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।